आइए आज इनडायरेक्ट के क्लास टेंथ के एक्सीलेंट बुक से एक्सरसाइज नंबर एक को हल करते हैं। इसके पहले मैं आपको पूरे रूल्स बता चुका हूँ, एग्जांपल समझा चुका हूँ, ठीक है, इसके पहले पार्ट में। तो आज जो है हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे, तो आप लोग मिला लीजिए, जो लोग करके लाए हो, नहीं कर पाए हो तो समझ लीजिए ताकि आपको पेपर में करने में समस्या ना हो। देखिए पहला है अशोक सेज विजय इज बाइंग ए स्कूटर। तो इसमें कुछ करना नहीं है, दैट लगा के आपको जोड़ देना है। मैं शॉर्टकट में बताते चले जा रहा हूँ, जहाँ करना है एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो है या फ्यूचर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज या सेड, ठीक है, तो उसमें बदला नहीं जाता, तो दैट लगा के जोड़ जाएगा, टेंस नहीं बदला जाएगा। दूसरा सोहन बिल से, इसमें भी दैट लगा के जोड़ दो, कुछ करना नहीं है। तीसरे में सेज टू का टेंस हो जाएगा, क्योंकि सेज टू का टेंस हो जाता है, भाई टेंस नहीं बदला जाएगा, लेकिन वर्ब बदल शब्द बदल सकते हैं, से के साथ टू है तो उसको टेल कर देते हैं, ठीक ना, तो सेज टू का टेंस हो जाएगा, टेल्स इज फ्रेंड। उसके बाद दैट लगा दे के देंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर चौथा है ही सेड टू द बॉयज द टीचर इज वेरी एंग्री। तो कुछ नहीं करना है, सेड टू का आप यहाँ टोल्ड कर दीजिए, ही टोल्ड द बॉयज। अब उसके बाद आप कंजक्शन दैट लगा दीजिए, कॉमा नॉट कॉमा कटा के। अब यहाँ देखिए सेड है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेड है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर यही सेड हैज सेड होता तब ना बदला जाता, लेकिन हैज सेड या हैव सेड, लेकिन केवल सेड है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो आप पास्ट इंडेफिनिट मान जाएगा। टेंस चेंज करना पड़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, वाज। आई सेड टू सोहन तो आई टोल्ड सोहन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, दैट लगा के जोड़ देना है, दैट द बॉयज मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। छठवां है प्रेम सेड, अब यहाँ दैट लगा के जोड़ दीजिए, क्योंकि सेड के बाद दैट लगेगा, और सुड का सुड ही रहता है, ना कि सेल कर दोगे, सेल का सुड होता है, लेकिन सुड पहले से ही पास्ट में है तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, या चाहिए कि अभी अर्थ होता तब भी वैसे रहता है, ठीक। तो द रिच सुड यहाँ तो चाहिए करता है, अमीरों को गरीबों की सहायता करना चाहिए, तो सुड केवल, ठीक है, सुड है तो सुड ही रहेगा। शशि सेड द ग्रैंड मदर वुड ऑफन टेल अस स्टोरीज एट नाइट। तो इसमें हम दैट लगा देंगे, शशि ने कहा कि दादी जो है प्रायः हमें कहानियाँ रात को सुनाया करती थी, तो उड़ का उड़ ही रहेगा, उनकी आदत भी है ये, ठीक है, कहानी सुनाया करती थी, और यूज टू से भी आदत बताई जाती है, उड़ से भी सुनाया बताई जाती है, यहाँ उड़ टेल ऑफन टेल माने प्रायः सुनाया करती थी, प्रायः सुनाती थी, उनकी आदत थी, ठीक है, और वैसे भी उड़ भी बदला नहीं जाता है, आदत के लिए और भी नहीं बदला। द डॉक्टर सेड, यहाँ दैट लगा के जोड़ दीजिए, दैट ही कुड नॉट स्पीक बिफोर रिटायरमेंट, कि पहले स्कूटर नहीं बदला जाएगा। ही सेड इट माइट रेन इन द इवनिंग, तो यहाँ भी आपको दैट लगा के जोड़ देना, माइट पहले से है तो माइट बदला नहीं जाएगा, पास्ट टेंस ऑलरेडी है। तो सी सेड द सन गिव्स लाइट एंड हर्ट हीट, उसने कहा कि दैट लगा के जोड़िए, उसने कहा कि सूर्य गिव्स लाइट, प्रकाश देता है, एंड हीट माने गर्मी देता है, तो बात सत्य है, सदा सत्य रहने वाले, इसको भी बदला नहीं जाएगा, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, तो इसके बाद आपको एक्सरसाइज दो बताया जाएगा।